everyone, welcome back to my channel. It's me, Rishika. So welcome back to my another video. So today's video is gonna be a really interesting video. Like आपको title देख के समझ पे आ गया होगा, but still I will repeat that आज का video होने वाला है cheat makeup tutorial, जो कि YouTube में काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक किया है एंड मैं भी आज करने वाली हूँ ये. तो पहले आपको मैं समझा देती हूँ कि ये क्या है. इसमें है ए से लेकर जेड तक मेकअप, मेंस फाउंडेशन से लिपस्टिक तक. हमें क्या करना है, बस एक शीट लेना है एंड जो भी आएगा सबसे पहले हमें उसको अप्लाई करना है. लाइक मैं आपको बता देती हूँ द फन फैक्ट क्या है इसका. सी, अगर मेरा पूरा मेकअप इज़ डन बट मुझे फिर जाके प्राइमर, लास्ट में जाके मुझे प्राइमर मिला, फिर मुझे सारे जो मेकअप है उसके बाद में मुझे प्राइमर लगाना पड़ेगा. सो इट इज़ लाइक वेरी हार्ड. तो आई विश कि मुझे लास्ट में प्राइमर ना मिले, पहले ही प्राइमर अगर मिल जाए तो आई एम ग्लैड, एंड अगर नहीं हुआ तो आप लोग देख सकेंगे. तो अगर आपको जानना है कि प्राइमर मुझे कब मिल रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना होगा. सो प्लीज़ जुड़े रहे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, तो मैंने मेरा जो अपने सारे मेकअप सेट तो ये सब मैंने लेके आ गई हूँ. वीडियो पे मूव ऑन करते हैं. आई एम सो एक्साइटेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स पिक अप. मैंने पिक कर लिया है ये. आई डोंट नो उसमें क्या है. ओके फाउंडेशन. यस, पहले मेरा फाउंडेशन निकल गया. आई एम सो हैप्पी. ओके गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक व्हेन एवर यू डूइंग मेकअप, क्योंकि ये बहुत ही मस्त होता है. सो गाइज, माई ब्लेंडिंग इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन पिक अ चिट. सो लेट्स पिक. आंख बंद करके ऑब्वियसली. प्राइमर. ओके, मैं यूज़ कर रही हूँ ये एस एफ आर का प्रोप्रेप प्राइमर. बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार, मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ. यार ये मिट रहा है फाउंडेशन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. इतना अच्छा फाउंडेशन ने कवरेज दे दिया यार. ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले प्राइमर मिल जाता फिर फाउंडेशन. मैंने बहुत हद तक लगा लिया है प्राइमर, तो इसलिए आप देख रहे होंगे मेरे जो फाउंडेशन है वो बहुत अभी क्रीज होने वाला है. तो अब तो मुझे लूज पाउडर चाहिए, देखते अभी क्या मिलता है. इसको पिक किया मैंने. लिपस्टिक. ओ गॉड, मैंने लिप बाम भी ऐड किया था बट लिप बाम के पहले मुझे लिपस्टिक मिल गया. सो माय लिपस्टिक लगाना इज डन एंड यू कैन सी गाइस अभी कैसा मेकअप लग रहा होगा. लाइक लिपस्टिक तो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं बट अभी कुछ भी फेस पे मेकअप नहीं है फिर भी लिपस्टिक. ओ गॉड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ऑब्वियसली काजल. काजल यार कैसे कैसे आ रहे हैं, मतलब एकदम ही सीरियली नहीं आ रहा है, सब उल्टा सीधा करके आ रहा है. ओके लेट्स अप्लाई काजल ऑल्सो. तो मैं ज़्यादा डार्क करके नहीं लगाती, मैं हल्का हल्का लगाऊंगी. तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लुक क्रिएट हो रहा है. तो ऐसे भी अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो काजल, फाउंडेशन, प्राइमर एंड लिपस्टिक थोप के भी जा सकते हो. इट्स रियली नेचुरल एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. विल सी. ओके नेक्स्ट. फिर आया है लूज पाउडर. थैंक गॉड लूज पाउडर आ गया है. सो लेट मी जस्ट नो, अगर आपको ऐसे चैलेंज देखना पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं ऐसे और भी न्यू अतरंगी चैलेंज लेके आऊँगी. मतलब ऑब्वियसली मेकअप रिलेटेड चैलेंज. लाइक मेरा तो वैसा चैनल नहीं है कि मैं कुछ भी डाल दूँ, तो मैं वैसा नहीं कर सकती. बट ऑब्वियसली मेकअप रिलेटेड जो भी मुझे चैलेंज मिलता है, मैं काफ़ी हद तक मैं वो सब ट्राई करूँगी. तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दिल खोल के बताओ यार. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करते हो या बोलते हो कि अच्छा लगता है ऐसा. सो डू लेट मी नो. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. हाइलाइटर. ये तो अभी बहुत ही अच्छा सीरियली जा रहा है मेकअप. सो हियर इज़ माई हाइलाइटर विच इज़ फ्रॉम माई ग्लैम.
आपको ये नेचुरल से बोल्ड हद तक भी लुक देने वाला है। अगर आप यू नो नेचुरल लुक चाहते तो नेचुरल भी करवा सकते हैं। लाइक लुक एट द ग्लो यू गाइस, इसने मुझे हेल इम्प्रेस कर दिया है। बट मुझे अभी इतना नहीं चाहिए क्योंकि ये डे लुक होने वाला है, मतलब डे में कर रही हूँ ना ऑब्वियसली, तो मुझे इतना ग्लो नहीं चाहिए अभी। तो मैं थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा सा यू नो ब्लिंक ब्लिंक लगे इसलिए मैं इतना ग्लो काफ़ी। तो नेक्स्ट इट लाइक आप खुद ही देख रहे हो, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे सब सीरियली भगवान ने मुझे दे रहा है। तो ब्लश में मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये एम एन का ब्लश। तो ओके ब्लश लगाना इज ऑल्सो डन, फटाक से देख लेते हैं और एक चीट मेक। आई लैशेस, तो इसको मैं ऑफ कैमरा लगा दे रही हूँ विद ग्लो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे कैमरा में लगाने में बहुत तकलीफ होती है। सो लैशेस लगाना तो हो गया है, मस्कारा। ओके लैशेस के बाद मस्कारा, अभी तीन ही बचा है। आई शेडो, अभी सब आई मेकअप्स के आ रहे हैं, ये ले रही हूँ। यार बहुत दिक्कत होने वाला है, अभी तो लैशेस लगाना हो गया ना, मैं बहुत ही सिंपल सा कर लूँ क्योंकि लैशेस लगाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अभी तक आईलाइनर भी पेंडिंग है गाइस, तो मैंने आईज को काफ़ी सिंपल रखा क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है ऐसे यू नो लैशेस लगा के आई शेडो लगाना, बहुत ही डिफिकल्ट था। तो मुझे अभी मिला है कंसीलर, लाइक सीरियसली इतना मेकअप, इतना सुंदर मेकअप होने के बाद भगवान लाइक क्यों आप मैंने इसको मेकअप ख़राब करना चाहते हो, अभी कसम से सारा मेकअप ख़राब हो जाना है। ओके तो मैंने कंसीलर तो ब्लेंड कर लिया आप, बट आप देख सकती है कैसा लग रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा है, अभी देखते हैं। आई लाइनर, ठीक है तो मैं लाइनर ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी, जस्ट टू कवर द जो लैशेस का वॉन्ड है उसको मैं कवर करने के लिए बस थोड़ा सा दे रही हूँ, और थोड़ा सा ग्लो दे रही हूँ। सो अभी ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ दो ही बचा था, उसको से मैं एक सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। लिप बाम, यार मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा लगाने का, इतना अच्छा जो लिपस्टिक लग रहा है उसके अंदर मैं अगर लिप बाम लगा दूँ तो ये ग्लॉसी नहीं हो जाएगा। सो मैं लगा रही हूँ हिमालय का ये लिप बाम, बहुत ही कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये ग्लॉसी नहीं बनाना है, ये इस लुक के साथ मुझे ये मैट वाला बहुत अच्छा लग रहा था। अब देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा है कि लुक बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया है इस लिप बाम ने, यू नो मैट ही अच्छा लग रहा था। ओके अभी लास्ट जो बचा है वो तो मुझे पता है, तो ले रही हूँ एंड फिर भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो गाइज माई मेकअप इज़ कम्प्लीट एंड द बोल इज एम्प्टी। सो आप बताना ये कैसा हुआ है, मैं कैसी लग रही इस लुक में, मुझे तो ये ठीक ठाक सा लगा है, बट आपके बिना रेटिंग से ये लुक नहीं होने वाला, मैं इसको रेट नहीं दे सकती, आप लोग बताना कि ये लुक कैसा हुआ है। एनीवेज मुझे बहुत इंजॉय लगा ये लुक क्रिएट करने में, एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, एंड जो बगल में एक घंटी मिलता है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आप मेरे साथ जुड़े रह सको। सो मैं मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।